वहीं मुरादनगर शमशान घाट हादसे में मारे गए लोगों का आज पोस्टमार्टम किया जाएगा। दूसरी तरफ इस हादसे की जांच के लिए कमेटी भी बना दी गई है। मुरादनगर में एक शमशान घाट परिसर में गैलरी की छत गिरने से दो दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के शिकार लगभग सभी लोग एक बुजुर्ग के अंतिम संस्कार में पहुंचे थे। हादसा उस वक्त हुआ जब बारिश के दौरान लोग गैलरी के नीचे खड़े थे। आज मृतकों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। हिंडन स्थित केंद्र में सभी मृतकों का पोस्टमार्टम होगा। हादसे पर पीएम और सीएम योगी ने दुख जताया है। दूसरी तरफ इस मामले में जांच के लिए एक कमेटी बना दी गई है और मेरठ के आईजी प्रवीण कुमार और मेरठ के कमिश्नर को रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है। राज्य सरकार ने मृतकों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया है। शमशान घाट में जिन 25 लोगों की मौत हुई है उनके घरों में मातम पसरा हुआ है। आप देखिए हमारे संवाददाता रजनीश की रिपोर्ट। 70 साल के बुजुर्ग जयराम की अंतिम यात्रा में शामिल होने गए उन लोगों को इस बात का जरा भी इल्म नहीं होगा कि एक ठेकेदार की लापरवाही उन्हें काल के मुंह में धकेल देगी और कुछ ही मिनटों में वो 25 लोग अकाल मौत का शिकार बन जाएंगे। ये पहला घर है और इस मोहल्ले के बाकी 13 घरों के 25 लोग उस अंतिम यात्रा में मृत्यु के शिकार हुए हैं। और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, ठाणे के भिवंडी में शिवसेना नेता दीपक महात्रे पर हमला हुआ है। अज्ञात हमलावरों ने दीपक महात्रे पर फायरिंग की। सीसीटीवी में कैद हुई है फायरिंग की पूरी वारदात। देखिए ये सीसीटीवी फुटेज है जो आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से अज्ञात हमलावर पहले आते हैं और उसके बाद एक के बाद एक गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। शिवसेना नेता के ऊपर ये हमला हुआ है, दीपक महात्रे के ऊपर ये फायरिंग हुई है। फिलहाल पूरे मामले की जांच चल रही है। भारत में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कोविड-19 वैक्सीन को हरी झंडी मिल गई है। 2 कंपनियों की वैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। कोरोना को मात देने के लिए कोविड-19 वैक्सीन का इंतजार अब खत्म हो गया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल पर अंतिम मंजूरी दे दी है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड के आपात इस्तेमाल को हरी झंडी मिल गई है, यानी वैक्सीनेशन का रास्ता अब साफ हो गया है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे गौरवशाली बताया तो दूसरी तरफ विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के इस फैसले की तारीफ की है। WHO ने कहा है कि भारत के इस फैसले से कोरोना से जंग लड़ने में मजबूती मिलेगी। और वैक्सीनेशन का काम जल्द शुरू होने वाला है, लेकिन देश के 130 करोड़ की आबादी को वैक्सीन लगाना आसान चुनौती नहीं होगी, लिहाजा इसके लिए केंद्र सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। कोरोना को मात देने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि वैक्सीनेशन के लिए चुनाव की तरह बूथ स्तर पर तैयारियां की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोविड-19 के लिए नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइन के हिसाब से टीका लगाया जाएगा। इस काम के लिए केंद्र सरकार के करीब 20 मंत्रालय को काम में लगाया गया है। वहीं केंद्र सरकार के हर मंत्री को वैक्सीनेशन के दौरान उनकी भूमिका के बारे में जानकारी दे दी गई है। 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों और सफाई कर्मियों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन दी जाएगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।